हेलो फ्रेंड्स, सब सबका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ लिंक से संबंधित। अगर कोई भी लिंक हम कॉपी करते हैं तो उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, कोई भी लिंक हम कॉपी करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। जैसे इंस्टाग्राम का लिंक है या यूट्यूब का लिंक हो या कोई भी चीज़ का लिंक बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम छोटा में कैसे डिवाइड करेंगे आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है वो मैं सारे डिटेल्स बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर आपके पास क्रोम हो या गूगल हो, जो भी हो, आपको गूगल ही चलिए ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, शॉर्टनर लिंक फ्री, आपको ये वाला यहाँ पे टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं शॉर्टनर लिंक फ्री। तो यहाँ पे इस तरह से टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा, पर आपको यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, देखिए यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा आप इस पे आप आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखा भी दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर जाना है। यहाँ पर जो भी आपका इंस्टाग्राम का लिंक हो या फेसबुक का लिंक हो या आपका यूट्यूब का लिंक हो, वो यहाँ पेस्ट पर करना होता है। तो चलिए हमें यहाँ पे लेके और यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे पास इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं वही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला लिंक बहुत बड़ा है, देख सकते हैं इंस्टाग्राम का। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस तरह से दबा कर रखेंगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं सीधा उसी पेज पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे कितना छोटा हो जाएगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करिए। अभी देखिए ये छोटा हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ना, बिल्कुल छोटा लिंक। तो इसको बोलते हैं शॉर्टनर लिंक। आपको इस पर फिर से क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। तो अभी कॉपी हो गया, अब कॉपी हो गया। अब चलिए मैं इसको चेक करता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बैक कर देना। चलिए मैं यहाँ पे बैक करता हूँ अपने मोबाइल को। अब बैक करने के बाद मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ और यहीं पर मैं किसी दोस्त को यहाँ पर भेज के देख लेता हूँ। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर वही पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ गया, अब चलिए मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। अब चलिए मैं जो भी यहाँ पे शॉर्टनर लिंक है, मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पे अब क्रोम का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरा खुलता है कि नहीं इंस्टाग्राम। तो देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से खुल गया ना। तो इस तरह से अपने लिंक को, कितना भी बड़ा लिंक हो, उसको आप शॉर्टनर लिंक में चेंज कर सकते हैं और उस लिंक को आप छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये ट्रिक्स कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।